प्रियवदल, ये बताओ आपका माँ भगवती का वरदान था, आपके बाजुओं में हजारों हाथियों का बल था, आपके चलने से धरती कांप जाती थी और आपके दहलने से नारियों का कर्व गिर जाता था। जो कमीना वो हराम जादा तुम्हें समारत थल में कैसे मार दिया? अफसोस की बात है भैया, उदल जानना चाहते हो? हाँ भैया सुन लेगा। तो थाले भरतिया भगवती ने मुझे भैया उदल न कहने में तेरे कसर मारा धोखे से पैरी ने नल भूम पे वीरता से न उसने किया है समर। भैया उदल ओ हाँ ज्यादा ताहस मुझे धोखे से नहीं तो मलखान उसकी नाराज से नकले अकेला काफी था, लेकिन हराम ज्यादा ताहस मेरे साथ धोखा किया। उदल क्या बात है बड़े भैया सुनो। तो छाया गले से लगा लूं तुझे अच्छा अम्मा रुक पाऊंगा मत करो चश्म कर नहीं बेटा अब जो हो लता से हो गया बेटा किस घाट पर मामा की लाश का संस्कार किया जाएगा? नदी में तो घाट पर आइए। राम नाम सारे महोबिया लगता है मलखान की लाश को लेकर के नदी बेतवा के घाट पर जा रहे हैं और गजमोदरी को सती कराएंगे। मामा श्री प्रणाम से विकार नाना श्री आशीर्वाद भांजे श्री ये सब क्या है? मामा श्री ये मलखान की लाश है क्या? गर्मी मरवा ये सब कैसे हो गया? मामा श्री मलखान को पृथ्वीराज ने धोखे से मार दिया है, हम इसका दाह संस्कार करने नदी में तो घाट पर जा रहे हैं। ये सब देखने से पहले मेरी आत्मा इस संसार से क्यों नहीं चली गई? अब आगे ले चलिए पांच श्री किला।
जी हाँ मामा श्री, विद के आगे कोई चारा नहीं चलता है। जी हाँ मामा श्री। मामा श्री, मामा श्री की बातों में मत लाओ, एक हफ्ते का वक्त है, एक हफ्ते का। चलो भाले मौका इन महावियों से बदला लेने के लिए कोई नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये बगैर हथियार के नदी बेतवा के घाट पर जा रहे हैं। अब ये खबर मैं चल करके जीजा चौहान को दे। जीजा जी, जी आप क्या है? आपने बहुत अच्छा काम किया था। कौन सा काम? इंदल को आपने यहाँ से ये कहकर भेजा था कि मैं एक हफ्ते के लिए नदी बेतवा घाट खाली कर दूंगा। नहीं जीजा जी, यही तो बदला लेने का अच्छा सुहाना मौसम। बात क्या है? सारे महोबिया यहाँ उदल मल खान की लाश को लेकर के नदी बेतवा के घाट पर जा रहे हैं। ये बात है। और गजमोतनी को सती कराएंगे। सबसे अच्छा मौका यही है कि बगैर हथियार के आए। अरे जीजा जी, आप अपनी सेना लेकर के बाजों की तरफ टूट पड़ो और सारे ठीक है। जब ये बात है तो हम अपनी सेना को लेकर नदी बेतवा के घाटों को घिरवाता हूँ। अब यही कह रहा है, ये सारे महोदिया है पर समाप्त हो जाएंगे। अब हमारे खुशहाली का दिन ना हो जाएगा। मामा श्री, हाँ जी जावर जी, मामा हम लोग नदी में दो घाट पर पहुंच चुके हैं। इस लाश को रखो और चिता लगाओ, अपनी मामी को सती कराओ। क्या 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 बात है भाभी? न जंग में है बेतुला, न जंग में है बेतुला, न करवे कृपाण भाभी की, ऐसा लगता है चढ़ाया चौहान। क्या करे भाभी, न तो मेरे हाथ में तलवार है ना बरसाना भाले। हे माँ, अगर मुझ में जरा सा पतिव्रता धर्म हो तो मेरी चिता की जितनी लकड़ियां हैं पंछी भाले और तलवार बन जाए। अगर मुझ में जरा सी शक्ति हो, पंछा हो तलवारें और भाले बन जाओ सर, बहुत जल्दी बन जाओ। शक्ति हो तो लगता है पिछड़ा ने चढ़ाई कर दिया। हम लोग Thank you.
हेलो हेलो पाकुरे रुख देगा कामों और मत मारे तू जान से गऊ समझ कर उदल और आभा मुझे माफ कर दो शाह मैंने तुझे माफ किया अगर तुम अपने आप को गौ समझ लिए हो हम गौ हत्या नहीं करते लेकिन तुम्हारे लिए एक सजा है चौहान हाँ उसकी शादी मलखान के बेटे बहोरन के साथ करना होगा ठीक है आधा अभी वो नादान है जब बालिक हो जाएगी तो हम शादी रचाने को ठीक है चौहान तुम जा सकते हो मामा श्री देर मत करो ठीक है अब चलो अपने मामा की लाश को जलाओ और अपनी मामी को सती कराओ जो आ गया आओ मेरे साथ चलिए मामा श्री देवी माँ के कहने के अनुसार ऐसा ही हुआ बड़े मामा मलखान की लाश का संस्कार भी हो गया और मामी की सती भी हो गई अब सिर्फ बाकी रह गया है बहोरन के साथ त्रिवेणी की शादी उस समय का इंतजार हम लोग करेंगे और राम सिया राम जय जय राम।